तो अभी हम मैं विश्वख्यात तरकी पैड़ी पर, तो चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, विश्वख्यात तरकी पैड़ी से हो रही है। और तरकी पैड़ी पर आप पीछे देख सकते हैं, अभी हम मुख्य धारा में हैं और मुख्य धारा में जल नहीं है। जल क्यों नहीं है, इसका भी आपको कारण बताएंगे और दिखाते हैं आजकल क्या हरिद्वार में चल रहा है, तरकी पैड़ी में क्या चल रहा है, वो सब भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। और साथ साथ जल क्यों नहीं है उसका कारण भी आपको बताते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी कि इस समय जो मुख्य धारा में है वो जल नहीं है। तरकी पैड़ी के आसपास के जो घाट हैं उन घाटों में भी आपको जल देखने को नहीं मिल रहा होगा। अभी आप देखते हैं हम बिल्कुल मुख्य धारा में हैं, धनुष पुल के पास हम हैं। और धनुष पुल के अगर नीचे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी जल नहीं है। उस तरफ घंटाघर घाट के तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जल नहीं है। तो जल क्यों नहीं है इसका आगे आपको कारण बताते हैं। बाकी बने रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए, औरों तक भी ये हरिद्वार के दृश्य और नज़ारे दिखाते जाइए। थोड़ा सा हम आगे आए हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पुराने ब्रिज थे जो निकाल दिए गए थे, वहाँ पर आप देख सकते हैं आप कितना वहाँ पर गहरा है ब्रिज के जो पिलर थे वो भी आपको देखेंगे। इस तरफ भी अगर आप देखें तो ऐसे ही है। और इस तरफ एक कैनाल है जो नीलधारा की तरफ जाते हैं, जल को ले जल जो नीलधारा की तरफ जाता है उसको रोकने के लिए और उसको छोड़ने के लिए जो है इस तरफ वाले कैनाल हैं। बाकी जल तो अभी है नहीं क्योंकि कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा से लेकर और दीपावली तक गंगाबंदी कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इस जगह पर अभी हम चल रहे हैं, ये मुख्य धारा वाला एरिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो मुख्य धारा में भी जल नहीं है, बाकी जो जल इस समय आपको मिलेगा वो नीलधारा की तरफ मिलेगा क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है दशहरा से लेकर और दीपावली तक जो है गंगाबंदी की जाती है, हर वर्ष की जाती है। तो इस वर्ष भी हुई है क्योंकि जो इन 10-12 दिनों में जो है गंगा जी की सफाई की जाती है, घाटों की मरम्मत की जाती है क्योंकि हर महीने यहाँ जल चलता रहता है 12 महीने। तो जो जल से टूट फूट होती है उसको रिपेयर किया जाता है और उसी कारण इस साल भी जो है अभी गंगाबंदी की गई है। बाकी हम आगे आगे चल रहे हैं, आगे आगे सबको दृश्य और नज़ारे दिखाते जा रहे हैं, कहाँ पर कितना आपको जल मिलेगा वो भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम अभी मुख्य धारा में ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जल देखने को मिलेगा, जो जहाँ पर थोड़ा सा गहरा होगा वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जल देखने को मिलेगा। बाकी जो है शाम के टाइम शायद जो है जल छोड़ा जाता है गंगा आरती के लिए। इस समय आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहीं पर जल ढूँढ रहे हैं, जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा जल दिख रहा है वहीं पर वो पतित पावनी मोक्षदायिनी मांगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये पूरा आप नज़ारा देख रहे हैं मुख्य धारा का, इस तरफ महादेव जी की प्रतिमा और इस तरफ माँ गंगा की प्रतिमा आपको दिखेगी। उस तरफ हम चल रहे हैं, माँ गंगा की प्रतिमा की तरफ हम चल रहे हैं और वहाँ से भी आपको दृश्य और नज़ारे दिखाते हैं। प्रक्रिया है गंगाबंदी की, ये हर साल चलने वाली एक प्रक्रिया है, हर साल ये गंगाबंदी की जाती है दशहरा से दीपावली तक। तो इस साल भी की गई है और उसी बीच हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं जो गंगाबंदी के दौरान हमें दिखते हैं घाटों पर। अभी चलेंगे मुख्य घाट की तरफ, तरकी पैड़ी की तरफ, घंटाघर, ब्रह्मकुंड घाट की तरफ, वहाँ के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमें जो मुख्य धारा है उसकी तरफ हैं। बाकी अगर आपको स्नान करना है प्रॉपर जल जहाँ पर आ रहा है वो नीलधारा की तरफ आ रहा है, चंडी घाट की तरफ आ रहा है, तो आप उस तरफ जाकर मांगा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। बाकी इस तरफ भी थोड़ा थोड़ा जल है, यहाँ पर भी श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं। इस तरफ ये VIP घाट भी आप देखते हैं। तो इस समय जो इस तरफ वाले एरिया है उसमें जल नहीं है, नीलधारा की तरफ आपको जल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको स्नान करना है प्रॉपर तो आप नीलधारा में जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है क्योंकि यहाँ पर भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जहाँ पर गहरा है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, जहाँ पर कम गहरा है वहाँ पर कम है। ये देखिए नज़ारे देखिए आप, तो सामने भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर महादेव जी की प्रतिमा है वहाँ हो गया, इस तरफ पुल के नीचे हो गया, ये सामने जो भीमगढ़ा बैराज है उस तरफ से जल जो आता है वो थोड़ा बहुत आ रहा है इस समय आप देखते हैं वहाँ से, फिर यहाँ के लिए वो डाइवर्ट किया गया है। वो है कि इस समय गंगाबंदी है तो गंगाबंदी के दौरान के दृश्य हैं हरिद्वार के, सफाई का कार्य भी लगातार चल रहा है। सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्डोजर भी लगा हुआ है जो कि वहाँ पर अपना कार्य कर रहा है। बाकी ऐसे कुछ नज़ारे हैं, सामने भी कुछ लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं, कुछ इस तरफ
जो कि कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं गंगा जी से। बाकी हम आगे चल रहे हैं और आगे से आपको दृश्य दिखाते हैं। हर की पैड़ी की तरफ ब्रह्मकुंड घाट की तरफ, और ब्रह्मकुंड घाट से आपको नज़ारे दिखाते हैं। इस तरफ के तो आपने देख ही लिए हैं कि इस तरफ क्या सीन अभी है, क्योंकि इस तरफ तो जल नहीं है उतना, थोड़ा सा उस तरफ है, वहाँ पर स्नान कर रहे हैं लोग लगातार। तो अभी हम मुख्य घाट की तरफ चलते हैं, जो प्रमुख घाट है, घंटाघर घाट, ब्रह्मकुंड घाट, और वहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं कि वहाँ पर जल आ रहा है या नहीं। क्योंकि मैं भी कई दिनों बाद गुजार रहा हूँ लगभग, जब से जल बंद हुआ है 12 दशहरा से, और अब आज 19 तारीख हो चुकी है, तो 19 तारीख को मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो दिखाते हैं आप। तो अभी इस तरह हम आ चुके हैं माले घाट पर हम हैं, और सामने जो घाट आप देख रहे हैं ये महिला घाट है। तीन घाटों पर भी आप जल देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें नीचे दिखाई दे रहा है जो कि शायद ठहरा हुआ जल है, थोड़ा बहुत पीछे से जल आ रहा है, और शाम को गंगा आरती के समय जो जल है वो छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे कुछ दृश्य हैं घाटों के। 19 अक्टूबर को हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं, और हर की पैड़ी से दृश्य आपको दिखा रहे हैं। शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, वो भीड़ आज भी हमें दिख रही है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत भीड़, जितना जल है उतने श्रद्धालु हमें दिख रहे हैं, और पतित पावनी मोक्षदायिनी मांगा में पूरी आस्था के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी ला रहे हैं। तो अभी हमें सबसे प्रमुख घाट विश्वख्यात तरकी पैड़ी के ब्रह्मकुंड घाट पर, और ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट दोनों घाटों से दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सामने जो घाट आप देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड घाट है, और इस तरफ वाला जो घाट आप देख रहे हैं ये घंटाघर घाट है। दोनों घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, जल भी आप देख सकते हैं कि जल इतना है कि आप स्नान कर सकते हैं, इतना जल अभी इस तरफ छोड़ा गया है। क्योंकि आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं सामने अस्थिपुरवा घाट पर, कितने सारे श्रद्धालु हमें देखने को मिल रहे हैं। और वही भीड़ इस तरफ भी अगर आप देखें ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट की तरफ, तो भीड़ इस तरफ भी है आस्था का जो हुजूम, और आस्था का जो जनसैलाब शनिवार और रविवार को टूटता है वही हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं संजयपुल पर, संजयपुल से सामने का ये दृश्य आप देख रहे हैं। इस तरफ ये अस्थिपुरवा घाट है, जो ये घाट आप देख रहे हैं उसके बगल में ब्रह्मकुंड घाट, सामने घंटाघर घाट, मालवीय घाट, महिला घाट, सभी घाट यहाँ से देख रहे हैं। और इस तरफ मुख्य धारा की तरफ भी आप देख सकते हैं जहाँ पर हम अभी पहले थे। तो जल आप देखते हैं इस तरफ पर्याप्त मात्रा में है कि आप स्नान कर सकें, बाकी उस तरफ बिल्कुल नहीं है, उस तरफ थोड़ा सा वहाँ पर है जहाँ पर हमने आपको पहले बताया, वहाँ पर हमें जल देखने को मिल रहा है, और इस तरफ थोड़ा बहुत है कि आप पतित पावनी मोक्षदायिनी मांगा में आस्था की डुबकी लगा सकें। इस तरफ भी बहुत सारे श्रद्धालु आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ये मुख्य घाट है, यहीं पर पतित पावनी मोक्षदायिनी मांगा की दिव्य भव्य गंगा आरती होती है। शाम को और सुबह दोनों टाइम आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं मांगा की दिव्य भव्य गंगा आरती का आनंद लेने के लिए। अभी हम आगे अन्य घाटों की तरफ बढ़ रहे हैं, और अन्य घाटों से भी आपको दृश्य दिखा रहे हैं। तो ये जो दृश्य आप सामने का देख रहे हैं ये है नाई घाट। नाई घाट तो आप सामने देख सकते हैं, नाई घाट के जो शुरुआत में ही आपको एक बैरिकेड सा दिख रहा होगा, वहाँ तक जो है जल रोका गया है, पीछे से जो जल आ रहा है वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट के सामने वाला वो एरिया है जिसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ आप देखते हैं, इस तरफ आते आते जल और कम हो गया है, वहाँ पर ठीक ठाक जल है। अगर आपको स्नान करना हो तो आप ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट पर स्नान कर सकते हैं। बाकी दो दृश्य आपने देख लिए हैं, विश्वख्यात तरकी पैड़ी के क्या दृश्य, क्या नज़ारे हैं, आजकल क्या ताजा हाल इस समय हरिद्वार का है वो भी आपको दिखा दिया है वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय मां गंगे।